सो हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं आप सबके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज हम सभी कंटिन्यू करेंगे आप सभी के यूजीसी इंटरनेट पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट के अगले लेक्चर को लेके। आज आगे बढ़े उससे पहले, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे आप सभी को यूजीसी इंटरनेट की सारी अपडेट्स मिलते रहे और साथ साथ आप सभी की जो प्रिपरेशन है यूजीसी इंटरनेट पेपर वन का ऑल 10 यूनिट्स की बहुत ही शानदार हो पाए। मूविंग एड आगे बढ़े उससे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे अभी हम लोग कंप्लीट यहाँ पे पेपर देखने वाले हैं, ठीक है। आज अपना यूनिट नंबर 9 चल रहा था और आज अपना लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले ऑलरेडी वी हैव डन द वी हैव कवर्ड द 11 लेक्चर्स ऑफ दिस यूनिट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। फाइन, तो अगर आपने कोई भी लेक्चर नहीं देखा या मिस हो गया हो किसी वजह से, सो आई विल रिकमेंड यू, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप और 11 लेक्चर्स को देख लीजिएगा। उन सभी लेक्चर्स के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप एक बार उसको चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। फिर आप लेक्चर 12 पे आएंगे तो आपको सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ तैयार होता चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए, आज क्या स्टार्ट करना है? आज स्टार्ट करना हम सभी को नॉइस पॉल्यूशन को लेके। क्या होता है नॉइस पॉल्यूशन, समझते हैं यहाँ पे। फाइन, देखिए नॉइस पॉल्यूशन के बारे में बात करें तो पहले समझते हैं कि नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है और क्या करता है। क्या नॉइस पॉल्यूशन क्या करता है, ध्यान समझिएगा। देखिए, अगर हम नॉइस पॉल्यूशन के बारे में बात करें, क्या करें, अगर हम नॉइस पॉल्यूशन के बारे में बात करें ना, तो क्या करता है ये आपका, ये आपको एक तरह का, सपोज कीजिए आप मानिए बैठे हुए हैं और आपके जहां पे आप बैठे हैं जस्ट उसके बगल में एक बहुत ही तेज स्पीकर लगा दिया जाए, बहुत ही तेज एक आपका डीजे लगा दिया जाए, तो आप क्या कंसंट्रेट कर पाएंगे, क्या आप कोई वर्क परफॉर्म कर पाएंगे? ऑब्वियसली आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो बगल में बैठी आवाज आ रही है वो बहुत तेज आ रही है, जो आपको क्या कर रही है, आपको जो मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, जो आपको साइकोलॉजिकली अफेक्ट कर रही है, ठीक है ना। और क्या होगा अगर ज्यादा समय तक आपको वही आवाज सुनाई देगा बगल में आवाज जो चल रही डीजे की, तो आपके जो वॉल्यूम है यानी कि जो आपका जो हेयर सेल है ईयर में वह भी डैमेज हो सकता है। फाइन है ना, ये बात समझ रहे हैं आप? तो ये क्या नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, यानी ऐसा पॉल्यूशन जो आपको, ऐसा पॉल्यूशन ध्यान रखिएगा, ऐसा पॉल्यूशन जो क्या करता हो, ऐसा पॉल्यूशन जो आपको साइकोलॉजिकल, ठीक है, अफेक्ट करता हो, ऐसा पोल्यूशन जो आपको साइकोलॉजिकल अफेक्ट करता हो, इसे हम सभी क्या कहते हैं, इसे हम सभी कहते हैं आपका नॉइस पॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजिकल को जो अफेक्ट कर जाता है वो आपका नॉइस पॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। और ये जितना ज्यादा, जितना तेज इसकी वॉल्यूम होगा ना, जितना वॉल्यूम इसका हाई होगा, ठीक है, और जितने लंबे समय तक इसका वॉल्यूम होगा, जितने लंबे समय तक आवाज आएगी ना, उतना ज्यादा डैमेज होने की संभावना बनती है, ध्यान रखिएगा। तो क्या करता है नॉइस पोल्यूशन, क्या होता है नॉइस पोल्यूशन, क्या करता है, हमें साइकोलॉजिकली डैमेज करता है। कितना करता है, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द साउंड, जितना वॉल्यूम होगा उतना डिपेंड करता है कि कितने लंबे समय तक वो आवाज आपके सामने आ रही है। तो अगर मैं आपसे कहूँ डिफाइन करिए इस नॉइस को, तो क्या कहेंगे आप, नॉइस क्या होता है, अगर मान लीजिए आप बैठे हुए हैं बगल में डीजे चल रहा है, तो क्या आप चाहते हैं चलता रहे, चलता रहे, क्या आप चाहेंगे कि नहीं चले, ठीक है। देखिए, अगर उसकी वॉल्यूम लो है तो बात ही अलग है, लेकिन अगर उसकी वॉल्यूम इतनी तेज हो, जो सपोज की जैसे होता नहीं, आपने देखा होगा कभी आपने फेयर में, तो 2-3 डीजे के ऊपर एक रखे रहते हैं, तो आवाज बहुत तेज आता है, अगर उतना ही आवाज आपके जहाँ पे आप बैठे हैं उसके बगल में रख दिया जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कैसे साउंड को सुनना चाहेंगे, ऑब्वियस है कि आप ऐसे साउंड को सुनना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो नॉइस क्या है, नॉइस क्या है, शोर क्या है, नॉइस क्या है, नॉइस इज ऑल डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड। नॉइस क्या है, एक अनवांटेड साउंड यानी ऐसा साउंड, ऐसी आवाज जिसे आप नहीं चाहते हो तब भी आपको सुनाई दे रही है, ठीक है। क्या करता है ऐसे, ऐसी आवाज क्या करते हैं, आपको इरिटेट करते हैं, क्या करते हैं, आपको इरिटेट करते हैं, और क्या करते हैं, आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट करते हैं। और जब कोई चीज आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट करे तो क्या होगा, आपको स्ट्रेस होगा, क्या होगा, आपको स्ट्रेस हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं? फाइन, क्या होता है इससे, देखिए जब नॉइस पॉल्यूशन होता है ना, तो जो आपके हेयर सेल्स होते हैं ईयर में, क्या हो सकता है आपका हेयर सेल भी आपका डैमेज हो सकता है। क्या होता है आपका जो हेयर सेल्स आपका ईयर में, क्या होता है, ये भी आपका डैमेज हो जाता है। एक्सटेंड कितना,
कि जहां तक आप सुन ना पाए, नहीं बस समझ पा रहे हैं, यानी इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है कि फिर आप कभी भी इतने आवाजों को ना सुन पाए, उस चीज को सुनने में प्रॉब्लम हो, तो इतना ये करने की वो रखता है पावर प्लान, ठीक है ना। एंड इट कैन ऑल्सो अफेक्ट योर ईयर ड्रम, आपके ईयर ड्रम को भी अफेक्ट कर देता है, क्लियर है, फाइन। चलिए, अब ऐसा नहीं है कि जो नॉइस पॉल्यूशन है केवल और केवल आपको ईयर पे ही अफेक्ट करता है क्योंकि आप ईयर से सुनते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब भी नॉइस पॉल्यूशन होता है तो इससे सिर्फ और सिर्फ ईयर ही नहीं, आपके बॉडी के वेरियस पार्ट्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है एग्जामिनेशन में आ गया कि क्या नॉइस पॉल्यूशन ओनली अफेक्ट टू योर ईयर, आप कहोगे बिल्कुल नहीं, बिकॉज इट कैन इम्पैक्ट द बहुत सारी ऑर्गन्स को भी, आपकी बॉडी को इम्पैक्ट कर जाता है, एंड इवन आपके वर्किंग को भी डिस्टर्ब कर सकता है नॉइस पोल्यूशन अगर हो रहा है। तो आप किसी चीज पर कंसंट्रेट करें, मान लीजिए कि आप पेपर दे रहे हैं यूजीसी इंटरनेट का, फाइन, और बगल में यानी कि आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं और जस्ट आपके रूम के बाहर अगर बहुत ही तेज एक साउंड जा रहा है, ठीक है, डीजे का सॉन्ग लगा हुआ, तो फिर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्लियर। यानी कि आपके वर्किंग को भी डिस्टर्ब कर सकता है अगर नॉइस पोल्यूशन हो रहा है तो किसी जगह पे, इवन आपको स्ट्रेस भी ला सकता है, ऐसा आप उसे इरिटेट भी होगे, फाइन। आगे बढ़ते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर आता है साउंड को कैसे मेजर किया जाता है, ध्यान समझते हैं। देखिए, साउंड को कैसे मेजर करते हैं, तो साउंड को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम सभी, साउंड को मेजर करने के लिए जो जैसे होता है ना, आप देखिए सॉलिड चीजें, सॉलिड होता है ना, आप जाते हो कुछ भी परचेज करने, सॉलिड को किससे मेजर करते हैं, तो सॉलिड की चीजों को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है। आप लिक्विड को कैसे मेजर करते हो, आप लिक्विड को लीटर में मेजर करते हो, फाइन। आप डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हो, आप डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हो, फाइन, क्लियर है। तो वैसे ही अगर साउंड है तो आपको साउंड को भी मेजर करने का कुछ बनना चाहिए था, बिल्कुल से बनना चाहिए था। तो ध्यान रखिएगा, साउंड को मेजर, साउंड कितना आ रहा इसको भी मेजर करने के लिए बनाया गया है। किसने बनाया था, ध्यान रखिएगा, नेम इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कौन? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बताया है कि साउंड को आप कैसे मेजर कर सकते हैं। क्या बताया उन्होंने, उन्होंने बोला है कि आप साउंड को किसमें, डेसिबल में, किसमें, डेसिबल के अंदर में मेजर कर सकते हो। थोड़ा सा पास्ट जानते हैं, कौन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ही इन्वेंशन किया था टेलीफोन का, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप एग्जामिनेशन में आ गया कि साउंड को किसमें मेजर करते हैं, आपका आंसर क्या होगा, डेसिबल में। किसके ऑनर में दिया गया, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल में दिया गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहले टेलीफोन का भी इन्वेंशन इन्होंने किया था, ध्यान में रखिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट वो क्या, ध्यान रखिएगा, देखिएगा, जो ये डेसिबल है ना, ये क्या ना, आपकी पहली बात, ये लीनियर स्केल नहीं है, यहाँ पर कोई लीनियर स्केल नहीं, बट आर्टिस्ट लोगार्थिज्म स्केल, ये बस समझ पाए आप, ये क्या ना, आपका ये लीनियर स्केल नहीं है, ठीक है, बट इट इज ये आपको लोगार्थिज्म स्केल से कहते हैं सभी, ठीक है, क्लियर में बात हो गया, फाइन। जो आप लोग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये यहाँ जो नीचे लास्ट लाइन लिखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है, देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा, देखिए जो परमिटेड यानी जो नॉइस, देखिए होता है क्या है ना, हर चीज को ऊपर एक बॉडी बनी जो देखती है, ठीक है, तो इन्वायरमेंट को लेके बॉडी बनी, हम सभी जानते ही हैं, हम सभी पढ़ रहे हैं पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, तो इंपॉर्टेंट जानना। तो देखिए इन्वायरमेंट के लिए क्या बनी है, इन्वायरमेंट के लिए बॉडी जो बनी है उसका जो देखता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ऐसी बॉडी जो इन्वायरमेंट में देखती है कि क्या चीजें होना चाहिए या क्या चीजें नहीं होना चाहिए, यानी अगर हम बात करें आपसे रूल्स का, किसकी बात करें, अगर हम आपसे बात करें रूल्स की बात करें, ठीक है, तो इन्वायरमेंट में क्या होना चाहिए या इन्वायरमेंट में क्या नहीं होना चाहिए, फाइन। तो इसके लिए हमने रूल बनाया है, क्या रूल है ये, इस रूल को हम सभी कहते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये कब आया था, तो 1999, ध्यान रखिएगा कब, 1999 में, ध्यान रखिएगा इस चीज को, 1999 में। तो क्या ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन यानी कि जो देखती है बॉडी, ऐसी बॉडी जो देखती है कि इन्वायरमेंट में क्या होना चाहिए या इन्वायरमेंट में क्या नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए इन्वायरमेंट, वहां इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक रूल बनाया गया है। क्या बनाया गया है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल बनाया गया है। ये यहाँ से एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट क्या है कि आ सकता है एग्जामिनेशन में कि आखिर इसका ईयर कौन सा, ध्यान रखिएगा। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का ये क्या है, 1999, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, एनवायरनमेंट एक्ट अलग है, एनवायरनमेंट एक्ट 1986 होता है, लेकिन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल क्या है, 1999, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना अपने को, कंफ्यूज नहीं होना अपने को, ध्यान रखिएगा। एनवायरनमेंट क्या है ना, एनवायरनमेंट में ध्यान रखिएगा, एनवायरनमेंट एक्ट क्या है, एनवायरनमेंट एक्ट 1986 है, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना आप सभी को,
इन्वायरमेंट का एक्ट अलग है, क्या है वो 1986 है, और रूल क्या है, रूल अपना 1999 का अपना रूल है, ठीक है फाइन। तो देखिए इस रूल, ये जो आपके बॉडी है ना, इसने बताया हुआ है कि कितना नॉइस लेवल होना चाहिए, ठीक है, यानी अगर इतना होगा तो प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कितना उन्होंने बताया हुआ है कि आप भैया कितना 125 dB, डीबी क्या होता है डेसिबल, डीबी क्या होता है डेसिबल, तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो आप इतना डेसिबल यूज कर सकते हो, यानी परमिटेड है, आप इतना यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, यानी परमिशेबल ही है अपना, इसमें परमिशन दिया गया, समझ गए बात, फाइन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं आखिर नॉइस पोल्यूशन कहाँ से होता है, नॉइस पोल्यूशन किस किस जगह से हो सकता है, यानी कहाँ कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, कहाँ कहाँ से नॉइस पोल्यूशन होता है, इसका सोर्स क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहला सोर्स क्या है, सबसे बड़ा और सबसे पहला सोर्स क्या है, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में देखा, आप देखिए इंडस्ट्रीज के पास जाकर तो इंडस्ट्रीज से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है। देखिए वैसे देखा जाए तो इंडस्ट्रीज बहुत काम, इंडस्ट्रीज देखा जाए तो इंडस्ट्रीज से तो लगभग सभी पॉल्यूशन होते हैं, वाटर पॉल्यूशन भी इससे होता है, क्योंकि जो वेस्ट निकलते हैं पानी में जाते हैं तो वाटर पॉल्यूशन बना देता है, इंडस्ट्रीज से जो हवा निकलता है तो उसका एयर पॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज की चीजें जब सॉइल की क्वांटिटी में आती है तो आपका सॉइल वेस्ट हो जाता है, समझ आने, इंडस्ट्रीज हर जगह आपका पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो अगर इंडस्ट्रीज तो आपका सोर्स है जिसके तहत आपका नॉइस पोल्यूशन होता है, यानी कि इंडस्ट्रीज की वजह से नॉइस पोल्यूशन ज्यादा होता है, आप कर सकते हैं। नंबर टू क्या, व्हीकल। नंबर टू क्या, व्हीकल। व्हीकल से तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा ही होता है, आप जानते ही होंगे, मैंने बताया भी था लेक्चर नंबर 5 या 6 शायद अपना था, जब हम लोग जब देख रहे थे एयर पॉल्यूशन, याद हो आप लोगों को, तो वहां पर मैंने बताया था आप सभी को ऑड इवन के बारे में, याद है ना आप लोग, बताया था दिल्ली में ऑड इवन के बारे में, इफ यू रिमेम्बर ना, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या लाया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑड इवन लाया था स्कीम, याद है आप लोगों को, तो उसमें क्या था, उन्होंने बताया था कि आप व्हीकल को किस दिन क्या यूज करोगे, ऑड जिस दिन आपका ऑड डेट होगा, ठीक है, आप उस दिन ऑड इवन वाली गाड़ी चलेंगी, जिस दिन इवन डेट होगा उस दिन इवन वाली व्हीकल चलेगी। तो ये क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन लेवल डिस्टर्ब हो गया था। क्यों डिस्टर्ब हुआ, तो क्योंकि दिल्ली एक ऐसा आपका सिटी है जहाँ पे सभी लोग, सभी मतलब मैक्सिमम के पास व्हीकल है, और सभी को अगर कहीं जाना होता तो वो अपना क्या करते थे, अपने व्हीकल निकालते थे और फिर अपने उस व्हीकल से जाते थे उस डिस्टेंस के लिए। तो इससे क्या होता था, इससे पॉल्यूशन का लेवल दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये फिर रिमेंबर मैंने बताया था कुछ आपको प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बारे में, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बारे में, वहां मैंने बताया था PM2.5 लेवल बहुत ही डेंजरस होता है, तो वो उस लेवल को टच कर रहा था, जिस वजह से पॉल्यूशन वहां पे बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है। तो व्हीकल से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है आपका। नंबर थर्ड क्या आपका, साउंड एम्पलीफायर म्यूजिक। अब ये क्या होता है, आप समझ ही रहे हैं साउंड एम्पलीफायर म्यूजिक क्या होता है, लाउड स्पीकर, अगर कोई मैरिज है तो जानते हैं कितना तेज आवाज निकलेगा, कितना उसका आवाज होगा, कितना स्पीकर होगा, तो आप समझ ही रहे हैं उस चीज को। तो साउंड एम्पलीफायर यानी कि जब आप म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, जब आप लाउड स्पीकर की बात, अब देखिए कुछ फेर अगर लग रहा है तो देखा होगा हमने फेर में क्या होता है, फेर में देखिए क्या होता है, फेर में कुछ ऐसा होता है ना, देखिए ये अपना यहाँ पे डीजे होता है, फिर अपना यहाँ पे ये अपना ये एक यहाँ पे डीजे होता है, फिर अपना एक यहाँ पे होता है, और फिर आपका यहाँ पे ये ऐसे होता है इसके ऊपर, फिर आपका ये इसके ऊपर यहाँ पे ऐसा होता है, फिर आपका ये एक ऐसा यहाँ पे अपना होता भी है, फिर उसके ऊपर यहाँ पे एक होता है ऐसे, फिर अपना ये ऐसे होता है, फिर अपना ये ऐसे होता है, यानी ये क्या ही, आप देखिए वहाँ पे उस जगह उस अगर मैं यहाँ पे अगर इतना डीजे रखे जाएंगे तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया क्या होगा, अगर मैं कहूँ आपसे ये अगर इतना हो गया, इतना यहाँ पे रखा गया आपका डीजे, ठीक है, डीजे का फॉर्म क्या होता है, डिस्क जॉकी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैंने इतना डीजे आपका रखा गया तो फिर ये इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में क्या होगा, ये एरिया सही से रह पाया गया, इस एरिया में प्रॉब्लम नहीं होगा, सर ऑब्वियस है इतना डीजे का चलेगा एक साथ में तो साउंड तो वहां पे इतना लाउड होगा। तो ये जो इन्होंने क्या उन्होंने कहा था कि भैया 125 डेसिबल मेजर करना, इन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि परमिटेड कितना, परमिटेड 125 कहा था, 125 का मुझे लगता है कि ना जाने कितना हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे हैं। तो वहां का एरिया प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना ही किसी, वो उस एरिया को प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इवन कोई भी अगर वहां से जाएगा तो उसे प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये अपना लाउड स्पीकर होने की वजह से भी नॉइस पोल्यूशन ज्यादा होता है, एंड ये तो आप ऑब्वियस आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा, तो आप देखिए कुछ अगर फेस्टिवल आ गया या अगर मैरिज का जो अपना वो शॉर्ट हो गया तो फिर बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है नॉइस पोल्यूशन अपना, फाइन। फोर्थ क्या है, फोर्थ है क्रैकर। अब क्रैकर्स क्या होता है जानते हैं आप सभी, क्रैकर्स मुझे एक्सप्लेन मुझे लगता है यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा,
क्रैकर से कितना आप लोग का होता है, आप जानते हैं क्रैकर से क्या क्या होता है। क्रैकर से तो नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, आप तो सभी जानते हैं उसको। एंड इवन क्रैकर से तो आप देखिए तो क्रैकर से आपका एयर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। फाइन, तो हमने देखा जाए क्रैकर जब बर्न करता है, हमने देखा होगा फेस्टिवल के दीपावली के समय में तो क्या होता है ना, बहुत एक बैक टू बैक आपके क्रैकर्स बर्न करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे जो नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फाइन, नेक्स्ट क्या आपका पैसेंजर एयरक्राफ्ट एंड फाइटर जेट्स। देखिए जब हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, जब हम फाइटर जेट्स की बात करते हैं, तो उससे भी आपका नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। फाइन, इज इट क्लियर? फाइन, आगे मूव ऑन करते हैं जो इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए। फिर आपका आता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ये फिर अपना आता है यहाँ पे परसीवेबल साउंड लेवल, यानी कि कितना साउंड लेवल दिया गया है, यानी कितना तक का साउंड लेवल आप यूज कर सकते हो, कहाँ पे यूज कर सकते हो और किस समय यूज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं आप सभी को, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया आपका, यहाँ पे एरिया लिखा गया, किस एरिया की बात हो रही है, यहाँ पे एरिया लिखा गया आपका कि किस एरिया की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, आपको एरिया यहाँ पे लिखा गया है, और ये आपका डे है कि दिन में कितना आवाज वहां पे होना चाहिए, जितना आपका परमिशेबल है, जितना आपका अलाउ किया गया, आप इतना यूज कर सकते हो, और नाइट में कितना डीबी मतलब डेसिबल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसके ऑनर में दिया गया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने इससे पहले क्या था, इन्होंने इससे पहले क्या किया, इन्होंने इससे पहले टेलीफोन का इन्होंने इन्वेंशन किया था, ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ पहले इंडस्ट्रीज की, अगर मैं पहले बात करता हूँ आपसे इंडस्ट्रीज का, देखिए तो इंडस्ट्रीज में क्या कहा गया है ना, इंडस्ट्रीज में कहा गया है कि भैया आप इंडस्ट्रीज अगर है वहां पे, तो वहां पे कितना आप साउंड यूज हो सकते, कितना साउंड वहां पे आप जनरेट कर सकते हो, ऑलमोस्ट सिर्फ 25 तक का, यानी परमिशेबल। आप इसके ऊपर जाओगे तो प्रॉब्लम होगा, क्लियर, वहां पे प्रॉब्लम होगा उस एरिया को। नंबर टू क्या है, नाइट में थोड़ा सा कम, देखिए नाइट में हर चीजों का कमी होगा, ध्यान रखिए एग्जामिनेशन में अगर आ गया तो नाइट की साउंड हमेशा डे टाइम से कमी होगा, कभी भी आप देखिए किसी भी जगह पे देखिए आप, तो इंडस्ट्रीज की बात करें तो 75 आपके डे टाइम में है और 65 आपका नाइट में है। कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल में क्या है, 65 है एंड डे टाइम आपका 55, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ देंगे रेसिडेंशियल में कितना है, आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेसिडेंशियल में कितना है, 50 है और नाइट में आपका 45 है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, आपको इसको मगअप करना पड़ेगा तभी काम चल पाएगा, क्योंकि इसको तो फिर समझने की कोई चीज नहीं, इसमें आपको डाटा को याद करना पड़ेगा कि कितना परमिशेबल साउंड लेवल बनाया गया है, जितना आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। साइलेंस जो है तो 50 और नाइट होता 40, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये टिपिकल एवरेज डेसिबल लेवल आप चाहे उसको रीड कर सकते हैं, वरना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप कितना ये सब उसको आप इसको चाहे आप पार्ट लीव कर सकते हैं, बट आप तभी इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। फाइन, आगे बढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। फिर आप कहते हैं आप कि इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन ह्यूमन हेल्थ, समझते हैं आप कि नॉइस पॉल्यूशन से क्या होता है, अगर नॉइस पॉल्यूशन किया जाए तो क्या इससे इंपैक्ट क्या पड़ता है, समझने का समय आ चुका है। फाइन, तो देखिए हेल्थ, क्योंकि नॉइस पॉल्यूशन किसके बारे में पढ़ रहे हैं कि नॉइस पॉल्यूशन होने की वजह से हमारे ह्यूमन हेल्थ पे क्या होता है, ठीक है। अब देखिए हेल्थ के बारे में जो भी बताता है ना, वो कौन होता है, हेल्थ के बारे में जो भी हमारे हेल्थ को कौन सोचता है, हमारे और आपके हेल्थ के बारे में कौन सोच रहा है बैठा हुआ, ये बैठा रहो भाई अपना, कौन, एक सेकंड आते हैं, कौन सोचता है हमारा, हमारे और आपके हेल्थ के बारे में कौन सोचता है, तो अपने और आपके हेल्थ के बारे में ऊपर बैठी बॉडी है कौन, WHO, कौन समझता है, WHO, क्लियर है। तो कौन समझ देख रहा है कि भैया WHO देख रहा है, WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो नॉइस पॉल्यूशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है आपके ह्यूमन के हेल्थ पे, इसे कौन देख रहा है आपका, इट इज सीन बाय द WHO, फाइन, दैट इज द ह्यूमन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने कहा हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है कि भैया नॉइस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, हजार्डस नेचर का होता है अपना नॉइस पॉल्यूशन, जो किसी के भी कंडीशन को, लिविंग कंडीशन को डिस्टर्ब कर सकता है। इवन ये ज्यादा होता है उन सिटीज में जो क्राउडेड सिटीज होती है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, वहां पे देखिए वहां वो आपकी बहुत ज्यादा वहां पे क्राउड है, दिल्ली आपका हो गया, तो वहां का आप देखेंगे तो वहां पे आपका जो सिटीज में जो क्राउड है वहां बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे ये ज्यादा ही इंपैक्ट डाल देता है, क्लियर। आगे बात करते हैं आप हियरिंग क्या क्या कर सकता है, ठीक है, हियरिंग क्या क्या करता है, समझते हैं आप कि हियरिंग क्या क्या आपका करता है। देखिए यहाँ पे हियरिंग क्या करता है आपका, अगर हम बात करते हैं हियरिंग को लेके, तो हियरिंग क्या करता है आपका, हियरिंग आपका अगर हियरिंग देखा जाए यहाँ पे,
तो इससे आपका अगर बहुत लंबे समय तक अगर नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइज हो रहा है, तो आपकी जो सुनने की जो क्षमता, यानी कि जो आप हियर करते हो, उसको ये पूरी तरीके से डैमेज कर सकता है। समझ पा रहे मेरी बात को? देखिए होता क्या है ना, जो अब नॉइस होता है ना, तो आपके ईयर ड्रम हो गया, हेयर सर हो गया, तो वो डैमेज होते हैं। अब क्योंकि आपके ईयर ड्रम और हेयर सर डैमेज हो जाएंगे, तो फिर आप सुन नहीं पाओगे। आपके सुनने की जो पावर होगी, जो कैपेसिटी होगी, जो आपकी इंटेंसिटी होगा ना, वो चला जाएगा, आप उसे सुन ही नहीं पाओगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो फिर वहां पे तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप? अगर आपकी नॉइस पोल्यूशन होने की वजह से अगर आपको कुछ आपके अगर या ईयर ड्रम हो गया या हेयर सर भाई डैमेज हो गया है, तो फिर आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा कभी। क्लियर है? तो हियरिंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और देखिए, दो वर्ड ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। एक वर्ड होता है हियरिंग, अपना एक वर्ड होता है हियरिंग, ठीक है, एक वर्ड अपना होता है हियरिंग, ठीक है, और एक वर्ड अपना होता है लिसनिंग। अपना एक वर्ड होता है लिसनिंग, ठीक है। जानते हैं आप सभी हियरिंग और लिसनिंग में क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं आपसे बात करूं हियरिंग और इसमें आपके लिसनिंग में क्या अंतर होता है, क्या बताएंगे आप? बहुत तुमको नहीं पता होगा, मैं आप लिख देता हूँ। यहाँ पे हियरिंग और लिसनिंग अगर मैं आपसे बात करूं, तो हियरिंग और लिसनिंग में क्या है ना, हियरिंग और लिसनिंग में भी आपका डिफरेंस होता है। समझाता हूँ मैं आपको यहाँ पे हियरिंग और लिसनिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखिए हियरिंग छोटा वर्ड है, लिसनिंग एक बहुत ही बड़ा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। लगभग दोनों सेम ही लग रहा है, लेकिन दोनों डिफरेंट है। हियर में चीजें सुनते हो बस आपको, लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चे लिसनिंग की बात करते हैं, तो लिसनिंग का मतलब क्या होता है ना, लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, समझना, और मतलब सुनना भी और समझना भी। तो आप इसे क्या कहोगे? आप इसे कहोगे लिसनिंग। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्या कर रहे हो आप? हियर कर रहे हो कि लिसन कर रहे हो? अगर बस सुन रहे हो, यहाँ से वहां जला जा रहा, तो फिर आप हियर कर रहे हो। लेकिन यहाँ से जा रहा है और आप समझ रहे हो उस चीज को, तो आप इसे कहोगे लिसनिंग कर रहे हो। हियरिंग और लिसनिंग में अंतर होता है, प्लीज कंफ्यूज मत होना है आपको। हियरिंग बस सुनना और फिर उसका कोई मतलब नहीं रह गया, लिसनिंग सुनना समझना हो, तो उसे आप कहोगे लिसनिंग कर रहे। तो ये हियरिंग पूरे सुनने की क्षमता चली जाएगी। अगर सुन ही नहीं पाओगे तो समझोगे कहाँ से, आप मुझे बताओ। क्लियर है बात? तो हियरिंग को पूरा लॉस कर देता है, आपकी पूरी इंटेंसिटी को लॉस कर देता है, फ्रिक्वेंसी लॉस कर देता है, और सभी चीजों का आपका इंपैक्ट डालता है पूरी बॉडी को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इवन आपके बॉडी को भी पूरा हार्म कर देता है। और इसका फिर क्या होता है, ह्यूमन हियरिंग फिर 0 डेसिबल हो जाती है। बात समझ में आ गया अपना? ये इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि जितना डेसिबल का चाहिए उतना डेसिबल आप रखो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया कुछ आपके, यहाँ पे 1 पॉइंट और है। जब नॉइस लेवल आपका रीच करता है ना 130 डेसिबल, तो ये आपको फिजिकल पेन दे सकता है। मेरे पास समझ में? अच्छा, अभी कम देखिए, कंफ्यूज मत होना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमने 2 स्लाइड पहले क्या पढ़ा कि परमिटेड कितना 125, परमिटेड कितना कि 125 डेसिबल रखिए। तो ये यहाँ तक परमिशन दिया गया है। अभी हमने लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा, इंडस्ट्रीज कमर्शियल, हमने सब उसमें क्या देखा, हमने उसमें देखा कि कितना आप रख सकते हो, ठीक है। लेकिन जब ये चीजें बढ़ती है ना, मानिए आपका बढ़ रहा है साउंड, बढ़ रहा है साउंड लेवल, बढ़ रहा है, और अगर ये साउंड लेवल 130 डेसिबल तक चला गया, तो आपको फिजिकली पेन भी दे सकता है ये नॉइस पोल्यूशन, ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज आपका 130 डेसिबल तक चला गया, तो आपको फिजिकल पेन भी दे सकता है, ध्यान में इस चीजों को रखिएगा, ठीक है ना। फिर क्या और क्या कर सकता है आपका ये, आप और दूसरा चीज देखिए क्या कर सकता है आपका ये आपको क्या कर सकता है, ये आपको इन्वायरमेंटल मतलब की, और आगे देखा जाए तो नॉइस पोल्यूशन आपके हार्ट रेट, जो आपका हार्ट रेट होता है, उसको भी इम्पैक्ट डाल सकता है, डालता भी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आपके सर्कुलेशन को भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, उस पे भी ये इम्पैक्ट डाल देता है। आपने उसने सुना होगा बहुत बार, ऐसा आपने सुना भी होगा, जब भी आप देखो किसी हॉस्पिटल के पास में, तो हॉस्पिटल के वहां पे लिखा रहता है ना कि वहां पे आप नॉइस मत करिए, वहां पे आप शोर मत करिए, ठीक है। आप देखेंगे जब भी कोई हॉस्पिटल होता है, तो उसके जो क्रॉसेस होता है वहां पे भी उसके एरियाज के अगल बगल लिखा रहता है कि वहां पे तेज आवाज ना किया जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आवाज तेज होगा ना, तो जो पेशेंट है उनका हार्ट रेट पे इम्पैक्ट पड़ जाता है, उनके ब्लड सर्कुलेशन पे इम्पैक्ट जाता है, ठीक है, उनको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम डाल सकता है, तो फिर इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ऐसा कहा जाता, ऐसा कहता कि ऐसा होना भी चाहिए कि हॉस्पिटल के आसपास के एरियाज में वहां पर कभी साउंड नहीं होता। आपने देखा भी होगा कभी भी कि इंडस्ट्रीज जो होती है कभी भी किसी हॉस्पिटल के पास नहीं होती है, कभी भी हॉस्पिटल के पास कोई आपको इंडस्ट्रीज देखने को नहीं मिलेगा, रीजन इसका यही है, ठीक है ना। फाइन, क्लियर अपना हो गया, आगे बढ़ते हैं। साथ आपको इरिटेट करता है, हेडेक
प्रॉब्लम भाई, सर दर्द करने लग सकता है। अगर आप किसी आवाज को, इतने तेज आवाज को सुनेंगे तो आपको हेडेक भी हो सकता है अभी। क्लियर है? फाइन। एंड इट कैन ऑल्सो स्लीपलेसनेस बाई डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। आपकी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या होता है समझते हैं आप। देखिए प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिव मतलब होता है द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाई परमेंट। प्रोडक्टिव मतलब आपका, प्रोडक्टिविटी मतलब वॉट, द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाई परमेंट। आप जैसे सपोज कीजिए कि आप 1 आवर में पूरी एक कॉपी याद कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 1 आवर में इस पूरी कॉपी को याद कर सकते हो तो दैट इज द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मेरी क्या प्रोडक्टिव मान लिया, मैंने कहा कि मेरी प्रोडक्टिव मैं कि इस, मैं 1 आवर में सिर्फ इस कॉपी के 2 पेजेस पढ़ सकता हूँ, याद कर सकता हूँ। सो दैट इज माई प्रोडक्टिविटी, यानी द आउटपुट प्रोड्यूस बाई परमेंट। आपकी आपकी पोटेंशियल है कि आप 1 आवर में 1000 बल्ब्स प्रोड्यूस कर सकते हो। मेरी मेरी कैपेसिटी है कि भैया मैं 1 आवर में सिर्फ 50 बल्ब्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ। सो व्हाट इज दिस इज द योर प्रोडक्टिविटी, यानी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय परमेंट, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो ये आपकी जब नॉइस ज्यादा होता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी को भी हार्म कर जाता है। देखिए बॉडी हेडेक होगा तो फिर कुछ भी काम ही नहीं हो पाएगा। मेरे पास समझ पा रहा है? फाइन फाइन। तो आज इतना ही रखते हैं आज की क्लास को। आज हमने देखा क्या होता है नॉइस पॉल्यूशन, हमने ऑलरेडी देख लिया एयर पॉल्यूशन क्या होता है, इवन हमने सब कुछ हमने देख लिया। ठीक है, तो अभी तक अपना लेक्चर नंबर 12 था, कल अपना होगा लेक्चर नंबर 13। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप ऑल 12 पार्ट्स को देखिए, तब आपको सब कुछ समझ में बेटर आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको कंप्लीट पेपर पूरा मिलने वाला है। फाइन, तो आप प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई आपका फीडबैक होगा नीचे जरूर बताइएगा, मैं फीडबैक देके अपना। एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा कंप्लीट पेपर 1। ठीक है, प्लस यूजीसी इंटरनेट की सारी अपडेट्स। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर।